आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है और राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जबकि राज्यपाल का विधानसभा में भाषण करीब एक घंटे तक चला और इस दौरान अभिभाषण के बाद विधानसभा में राष्ट्रगान भी गाया गया। बता दें कि सपा विधायकों के हंगामे के बाद यूपी विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। मामले में कल अदालत का फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने के मामले में सुनवाई आज हुई। इस दौरान कचहरी परिसर के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। आज सुनवाई हुई है। फाइल लौट कर सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के यहाँ से जिला जज वाराणसी के आई है और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि इस पर एक आदेश हम कल पारित करेंगे। आप लोग कल आदेश देख लीजिएगा। सुनवाई इस बात पर हुई कि आर्टिस्ट 7 और 11 की दरख्वास्त हमारी प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से थी, तो उस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट उसको भी देखेगी और वादी पक्ष ने कुछ जो कमीशन की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह हुए थे जिसकी कॉपी नहीं मिल पाई है, उसी कॉपी के लिए मांग की थी। अब उस पर कोर्ट जो मुनासिब समझेगी आदेश करेगी। पर थी कमीशन रिपोर्ट की कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए, वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाए और जो फोटो उपलब्ध कराई जाए। विपक्षी का प्रार्थना पत्र 7-11 पर कि दावा पुष्टि नहीं है, इसके दोनों पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने कल आदेश के लिए रख लिया है। कल आदेश हो जाएगा, किस प्रार्थना पत्र कब सुनेंगे। आज कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कि इस मामले की सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी, किस एप्लीकेशन को पहले सुना जाएगा, किसको बाद में सुना जाएगा। देखिए, ऐसा हरिशंकर जैन साहब की तरफ से दलील रखी गई कि पहले जो है हमें वीडियो कमीशन की चिप के अंदर जो फोटोज़ हैं, जो वीडियो हैं, वो अवेल कराई जाएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपना आगे प्रोसीड कर सकें और उसी के साथ हम 7-11 में पार्टिसिपेट करेंगे। 7-11 के आर्ग्यूमेंट पर रिजेक्शन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन सामने से प्रतिवादी पक्ष का कहना ये है कि वो कहीं से कहीं मटीरियल नहीं है, इमटीरियल है और ये आर्ग्यूमेंट भी इमटीरियल है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए कोर्ट ने आज कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं सुनी है 7-11 के ऊपर और कल का आदेश रखा गया है कि क्या पहले 7-11 को देखा जाएगा या पहले जो है मटेरियल हमें अवेल कराया जाएगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए या किसी तरह के सबमिशन के लिए। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी हो गई। वहीं ज्ञानवापी मामले पर सियासी हलचल भी तेजी से जारी है। इस मामले में प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने गलत काम किया था। सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई थी और मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब भी पुराने समय में मस्जिद या मंदिर बने तो उसमें बौद्ध विहारों के पत्थर मंदिरों में मिले हैं। इतना सही है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा है। जी जी, औरंगज़ेब के मुग़ल ज़माने में ऐसा तो नहीं कोई छुप के काम को उसकी मौजूद है, तारीख मौजूद है। जी जी, ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है। जी जी, ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला है जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। वहाँ पे कुछ हिंदू मंदिरों की कुछ कलाकृतियाँ भी पाई गई हैं। नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है। जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बुद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिले, तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को। औरैया के इरवा कटरा में चकबंदी को लेकर बड़ा मामला सामने आया, जहां पर कई किसानों ने लेखपाल पर आरोप लगाए हैं और कहा कि चक बनाने के नाम पर किसानों से पैसे लिए गए लेकिन चक नहीं बनाए गए। वहीं एक महिला ने बताया कि उनका खेत चकबंदी में उसी जगह बना रहने के लिए
उनसे 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद किसानों ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। कहाँ के निवासी हैं? अरवा कुइली थाना अरवा कटरा। क्या मामला है लेखपाल को लेके आपके? हमारा 2.5 बीघा का खेत था, ठीक है, इन्होंने लगभग 8 महीने पहले नापतौल की थी। किसने? दुर्गेश लेखपाल है, ठीक है, तब वो दुर्गेश लेखपाल अरवा कुइली के लेखपाल थे, ठीक है। तो उन्होंने सर्वे की अपने कड़ियाँ अड़ियाँ जो डाली तो उसमें मेरा 2.5 बीघा रकबा निकल रहा था, ठीक है, एक खेत छोड़ के 1.25 बीघा था, अलग था, ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि ये हमारा 2.5 बीघा का एक चेक कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, आपको रुपए लगेंगे 10,000 रुपए, ठीक है। हमने कि हम देंगे 10,000 रुपए, ठीक है। तो उन्होंने 10,000 रुपए हमसे मांगे और हमने दिए, ठीक है। और आज हम जब खेती आज हमारी नप रही है वहाँ पे, तो वहाँ पर उन्होंने 8 बिसे का खेत एक रास्ता के अलग बना दिया। लखनऊ के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महामंत्री नारायण शुक्लावत पाल मौर्य प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, इन 8 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कहा 135 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य, कौशल और सबका साथ सबका विकास प्रयास के मंत्र पर चलने वाली मोदी सरकार ने गरीबी दूर की है। बिजनौर में जमीन के लालच में अपने सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी भाई को पुलिस ने उसके दो और साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल कार और 50,000 की नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि 20 मई को इस घटना को अंजाम दिया गया था। भाई ने भाई का मर्डर जमीन के लोभ में किया। पूरा प्रकरण यह है कि बिजनौर के रसीदपुर गढ़ी के शोभित और लवी दो सगे भाई हैं। शोभित शराबी टाइप का है, इसने अपनी सारी जमीन मौज मस्ती में बेच दिया, उड़ा दिया। उसका छोटा सगा भाई लवी, जिसके हिस्से 8.5 बीघे जमीन थी, अविवाहित है, उसकी जमीन हड़पने के लिए इसने एक योजना बनाई अपने दो साथियों के साथ। 1,00,000 रुपए में तय किया एक तरीके से फिरौती के रूप में, और साजिश करके स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से हरिद्वार स्नान करने के लिए ले गया, मंडावड़ी क्षेत्र में शराब पिला करके गला घोट करके इसको मृत्यु। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक ऐप के जरिए अश्लील वीडियो बनाने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर लोगों को धमकी देकर पैसे मांगने का भी आरोप है। देखिए, इसमें हमें कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोगों ने ग्राइंडर ऐप का यूज़ करके, इसमें ग्राइंडर एक गे चैटिंग ऐप है जिसमें जो भी बंदा उस ऐप को डाउनलोड करके चैटिंग करता है और सामने वाला व्यक्ति उसको अपनी बातों में फंसा के अपने ठिकाने पे बुलाता है और 2-3 लोगों के साथ मिलके उसका एक तरीके से अश्लील वीडियो बनाया जाता है और इस अश्लील वीडियो के जरिए उनको धमकी देके उनसे पैसे ऐंठा जाता है। फरुखाबाद में कसीमपुर तराई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। गांव की खराब हालत को देखकर ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी एम अर्जुनमोली लिखित शिकायत देकर विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की है। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रधान ने ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है। रायबरेली में हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अब भद्रता का मामला एसपी की चौखट पहुंचा है। बीते दिनों संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र चूड़ामणि ने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर एफआईआर करवाने के लिए सरेनी कोतवाली पहुंचे थे। मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन जब एफआईआर की कॉपी लेने थाने पहुंचे तो सीसीटीएनएस का काम देखने वाले कांस्टेबल मनीष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। इस मामले ने तो थाने की पोल खोलकर रख दी। मामले की जानकारी सीओ लालगंज को दी गई, लेकिन आरोप लगा है कि अभी तक प्रशासन कर्मचारी को बचाने में लगा हुआ है। मामला यह था कि एक मुस्लिम युवक हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक टिप्पणी करता था, जिसकी एफआईआर उन लोगों ने लिखवाई। उसके बाद वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो मनीष जी थे, वो एकदम से आपे से बाहर हो गए, बोले यहाँ तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने आए हो।
और धक्का देकर गाली गलौज करते हुए हमें परिसर के बाहर लेकर आए, जिस पर हम भी थे, विश्वास वाजपेयी थे, बहुत सारे लोगों ने देखा। इसकी शिकायत हमने सीओ कोतवाल, सीओ साहब से भी की, कोतवाल सरेनी से भी की, जहां पर अभी कोई सुनवाई नहीं। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान जारी है। श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका की तरफ से भी अभियान के तहत काम किया गया। एसडीएमओ प्रवीण कुमार और ईओ यदुनाथ ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर दुकान के सामने रखे टीन शेड को हटवाया। अतिक्रमण को हटवाने के दौरान व्यापारियों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। काफी देर तक व्यापारियों ने हंगामा किया, इस दौरान व्यापारी नेता पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों से व्यापारी नेताओं ने बातचीत की। हरदोई में ऑपरेशन पताल के तहत बिहानी और बेनीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 1.5 लाख दर्जन अवैध असलहे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देश पर पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो प्रदेश में ऑपरेशन पताल इस समय चल रहा है, जिसमें कि विगत में जो अपराधी अवैध शस्त्रों के प्रयोग में अथवा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियों बनाने में लिप्त रहे हैं, उनकी खोज धरपकड़ की जा रही है। उसी के तहत एक मेरे द्वारा टीम बनाई गई थी, इसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और इंस्पेक्टर पिहानी और इंस्पेक्टर बेनीगंज थे। इस टीम ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्रियाँ अनावरण किया है। दोनों फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर के 3 मुलजिम, लगभग 16 असलहे, जिसमें कि एक राइफल और एक बंदूक भी है, के साथ साथ करीब 8 अधबने असलहे बरामद किए हैं। भारी मात्रा में शस्त्र बनाने का सामान बरामद। लखनऊ के नगराम थाने के तमोरिया जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकते हुए युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मृतक की पहचान कराई गई तो पता चला युवक 18 मई से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 5 दिन पहले उसी जगह से कुछ दूर सड़क किनारे मृतक की बाइक भी बरामद की गई थी। आपको बता दें कि 5 दिनों से युवक लापता था। परिजनों का आरोप है कि गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठ रही है। पुलिस पे आरोप ये है, पूरा नगराम थाना का थाना ही बेकार है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं किया है, पूरा है थाना हटा ही दिया वाला है यहाँ से। दूसरे गोसाईगंज की पुलिस पहले आ गई थी नगराम थाने के, कुछ नहीं किया है, 2 घंटा बाद भी आई है, कुछ नहीं बोला, नहीं तक नहीं, वहाँ तक देखे भी नहीं जा गया है वहाँ तक। हाँ, जंगल के पास में रोड के किनारे मोटरसाइकिल बरामद होने की बात बताई जा रही है, जिस संबंध में उनके परिजनों द्वारा भी ढूंढा गया था वहाँ पर जंगल के आसपास, और पुलिस द्वारा भी ढूंढना बताया जा रहा है। लेकिन लाश जंगल के अंदर घुसकर काफ़ी अंदर जाकर के बबूल के पेड़ में उसकी मृतक की कमीज से ही लटकी मिली है, और फिलहाल अब जांच की जा रही है, जो सत्यता होगी कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जहां नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जहां एक समान रूप से हुई कार्रवाई में भाजपा नेता ने गेस्ट हाउस के अवैध अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला है। कितने परिवार हैं आप लोग? हमारे लोग हैं 40-50 आदमी। अच्छा, परिवार कितने हैं? परिवार है सब 40-50 आदमी। अच्छा अच्छा, हम ये करें, और आप परिवार में किसी की शादी वगैरह है? वहाँ पर अस्पतालों के जो आगे बाउंड्री बना के अतिक्रमण किए हुए थे, वो उन्हें तत्काल हटा दिए, जिसमें 2-3 मंजिला स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनके लिए उन्हें कल तक का समय दिया गया है, और कल तक अतिक्रमण वहाँ पे रिमूव। मथुरा में माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां गोल्ड लोन की धोखाधड़ी करने वाले माफिया के खिलाफ पुलिस ने 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। एसडीएम प्रशांत कुमार का कहना है कि शासन के निर्देश पर चलाए अभियान के तहत माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जा रही है। आज थाना कोतवाली द्वारा एक फर्जी गोल्ड जमा करके गोल्ड लोन लेने की बात जो प्रकाश में आई थी, उसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया जो अपराध के धन से उनके द्वारा अर्जित की गई थी। ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद कुल करीब 1.75 करोड़ के आसपास की संपत्तियाँ चिन्हित करते हुए राजेश अग्रवाल पुत्र निताई चरण अग्रवाल की उपरोक्त सभी संपत्तियों को आज एसडीएम सदर और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में
पुर करते हुए जब्त किया गया। मऊ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी के पास से 6 क्विंटल गांजा बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज ये चुरैया कोर्ट की टीम और स्वाट की जो टीम है इनके द्वारा एक वर्क किया। इन लोगों ने काफ़ी समय से इनको अपराधियों के खिलाफ काम करने के लिए बताया जा रहा था, तो उसी क्रम में इनके द्वारा मुखबिरी डेवलप करके एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो गांजा है इसको ले करके जा रहा था। इसको ट्रेस करके इन्होंने मुखबिर की सूचना पे पूरी टीम ने इनको पकड़ा है। सीतापुर में तेज आंधी पानी के चलते एक सड़क हादसा हो गया जिसमें कार खड़े ट्रक से जा टकराई और हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि 15 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जाया गया जहां 7 लोगों की हालत गंभीर देख उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। चंदौली अली नगर के लौदा गांव में घर से बाहर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रंजिश या किसी पुरानी विवाद के कारण हत्या की गई है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बुलंदशहर समेत आसपास के जिलों में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। यह बदमाश बड़ी संख्या में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अहमदगढ़ पुलिस ने शातर को पकड़ने में सफलता हासिल की है और सभी को जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद में मौसम ने करवट ली, रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से नगर पालिका के दावों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली लेकिन बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।